लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो नवीन पटनायक से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा वार किया है और कहा कि नवीन पटनायक की जो सेहत बिगड़ती जा रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉबी है। श्वेता बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नवीन पटनायक की सेहत पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक साल में तबीयत इतनी खराब कैसे हुई, क्या बिगड़ती सेहत के पीछे कोई साजिश है, खराब तबीयत के पीछे कोई लॉबी तो नहीं, रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। ये कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। सत्ता में आए तो कमेटी बनाकर जांच करेंगे, क्या कहा सुनिए। आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है, वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या, ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं।